बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जनाब आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, हंसे मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। वेलकम कुकिंग इन बिशे स्टाइल में। आज की हमारी स्पेशल सी रेसिपी है समर्स के लिए, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, ठंडी ठार, रिफ्रेशिंग सा ये ड्रिंक है जो कि आज आपके लिए हम बना रहे हैं और आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1.5 किलो दूध, जिसमें से एक ग्लास यानी एक पाव के करीब मैंने निकाल लिया, बाकी सारा यहाँ पे पैन में शामिल कर दिया। इसमें शामिल कर दिया है 4 से 5 टेबलस्पून शुगर और इसके साथ हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, 2.5 टेबलस्पून भी काफ़ी है, कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है। थोड़ा सा मिक्स कर लिया और ये छिले हुए बादाम जिनको भिगो के रखा और छील लिया आधा कप के करीब, ये शामिल कर दिए। विस्क से आपने इसको मिक्स करते जाना है, कुक करते जाना है, जब इस तरह से थिक हो जाए, यानी कस्टर्ड जैसी थिकनेस आपने नहीं देनी, बस हल्की सी थिकनेस आनी चाहिए। तो आपने फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया और ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ठीक है, ब्लेंड करते हुए आपने इसमें शामिल करना है तरबूज छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 1 कप के करीब। जब आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया तो इस तरह सा बहुत ही ज़बरदस्त सा थिक सा ये ड्रिंक हमारा रेडी होगा। इसमें हम शामिल करेंगे जो 1 ग्लास दूध हमने बचा के रखा था और इसके साथ तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून रेड सिरप, कोई सा भी, जामेशीरी है, जो भी है आप घर पे यूज़ करते हैं, वो शामिल कर दिया। बादाम और पिस्ते बारीक काट के शामिल कर दिए और छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ तरबूज शामिल कर दिया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमने भिगो के रखा था तुख मलंगा, इसको भी हमने शामिल कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे जेलीज, कोई भी फ्लेवर, कोई भी कलर जो आपको पसंद है, जितना कलरफुल आप इसको बनाना चाहते हैं वो तमाम कलर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन, येलो और रेड का इंतखाब किया है, ये बहुत प्यारा सा दिखेगा और बहुत मज़े का भी। तो यहाँ ये जेली हमने शामिल कर दी और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए। ठीक है, चूंकि हमने इसको गर्म बनाया, हल्का सा हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया और इसको ब्लेंड कर लिया। अब आप इसको अच्छा चिल करेंगे फ्रीज़र, फ्रिज पे रख के। अच्छी तरह से चिल करने के बाद आप इस तरह से अगेन इसके ऊपर गार्निशिंग कर लीजिएगा, किसी भी तरह से जेलीज डाल दें, तुख मलंगा डाल दें, इसके अलावा बादाम, पिस्ते, काजू डाल दें और आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। यकीन करें कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, बहुत मज़े का है। इस तरह की छोटी छोटी आसान सी रेसिपीज़ बच्चों को बनाने के लिए बताएं, बच्चे घरों पे हैं, छुट्टियों में हैं, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है कि आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं और उनको बहुत से अच्छे अच्छे कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उनसे बनवाइए, उनको तमाम चीज़ें रेडी कर दीजिए और वो असेंबल करेंगे और आपको सर्व करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी रेसिपी, उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस चैनल पे मुझे थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसपे मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, खसूसन ईद के हवाले से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, रेसिपीज़ के लिंक्स मिल जाएंगे, प्लीज़ उस पर जाइएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।